साथियों, एक मजबूत माइनिंग और मिनरल सेक्टर के बिना सेल्फ रिलायंस संभव नहीं है, क्योंकि मिनरल्स और माइनिंग हमारी इकोनॉमी के इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं। अब रिफॉर्म्स के बाद अब कोल प्रोडक्शन, पूरा कोल सेक्टर भी एक प्रकार से आत्मनिर्भर हो पाएगा। अब कोयले के लिए बाजार खुल गया है। जिस सेक्टर को जब जितनी जरूरत होगी वो खरीदेगा। साथियों, जो रिफॉर्म्स के लिए और जो रिफॉर्म्स हमने किए गए हैं उसका लाभ सिर्फ कोल सेक्टर को ही नहीं, दूसरे अन्य सेक्टरों पर भी पड़ेगा। जब हम कोल प्रोडक्शन बढ़ाते हैं तो पावर जनरेशन बढ़ने के साथ ही स्टील, एल्यूमिनियम, फर्टिलाइजर, सीमेंट जैसे तमाम दूसरे सेक्टर्स में प्रोडक्शन और प्रोसेसिंग पर भी सकारात्मक पॉजिटिव इंपैक्ट होता है। सौभाग्य से हमारे यहां कोल, आयरन, बॉक्साइट ऐसे कई मिनरल्स के रिजर्व्स एक दूसरे के बहुत नजदीक होते हैं, बहुत आसपास ही होते हैं। एक प्रकार से परमात्मा ने जैसे क्लस्टर बना करके रखा हुआ है हमारे लिए। ऐसे में हाल में ही मिनरल्स को लेकर जो रिफॉर्म्स किए गए थे वो कोल माइनिंग रिफॉर्म्स के साथ जुड़ जाने से ये बाकी सेक्टर भी बहुत मजबूत हो गए हैं।